दोस्तों अब हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद चीन भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो किया था वह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में चीन भारत पर जहां दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जमा रहा था, तो वहीं अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा खेल करके चीन को उसकी हरकत का काफी करारा जवाब दिया है, जिसे चीन हमेशा तक याद रखेगा। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ हुआ है। दोस्तों अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक और बड़ा गेम कर दिया है। आपको याद होगा कि चीन ने पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे और नाम बदलकर उनको नए नाम चीन ने अपनी भाषा में दिए थे। और जिस तरीके का काम चीन इंडो पैसिफिक रीजन में करता है, इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद नाम जो इस महासागर के साथ जुड़ा हुआ है, ये चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाइना चाहता है कि इसे इंडो या हिंद महासागर क्यों बोलते हो, हम इसका नाम कुछ और रख लेंगे। ऐसे में चाइना ने इसका नाम रखा है अपनी भाषा में कुछ और ही। खैर चीन तो इसी तरह की हरकतें करता रहता है, लेकिन भारत ने इसका जवाब दिया। और इसके लिए सबसे पहले तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश के पहले गांव में, यानी कि वह गांव जहां से बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है, और जहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी योजनाओं का शिलान्यास कर दिया और घोषणा कर दी कि यहां पर बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनेगा। ऐसे में इसके बाद भी चाइना ने वहां काफी बवाल किया था और कहा था कि अमित शाह वहां कैसे पहुंच गए, यह हमारा इलाका है और यह चाइना की संप्रभुता पर हमला है। जबकि अमित शाह और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि यह तुम्हारा नहीं है, यह हमारा है और हम अपनी जमीन पर गए थे। लेकिन यहीं पर मामला नहीं रुका और भारत जानता है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीन अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है, यह पासा अब भी ठीक चाइना को उल्टा पड़ रहा है। देखा जाए तो हमेशा तो यह होता है कि दुश्मन करता कुछ और दिखाता कुछ और है, और चाइना भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चाइना चाह रहा है कि ताइवान मामले में या फिर लद्दाख मामले में तुम धीरे धीरे पीछे हटो और तुम उन मामलों में आगे मत बढ़ना, और नहीं तो हम अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। और इस चीज को दिखाने के लिए वह दूसरी तरफ ध्यान भटकाता है और इसलिए बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा किया जाता है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था, अब जो हुआ है ना अब एकदम से अलग चीज कर दी है। जैसे कि स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं, एक बौद्ध परंपरा का आयोजन किया गया है और इस बौद्ध परंपरा में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से समझे कि यह एक महासम्मेलन था और इस महासम्मेलन को लेकर चाइना जरूर चौंका होगा यह देखकर कि भारत के पक्ष के समर्थन देने के लिए 600 से ज्यादा हिमालय के बौद्ध नेता और उनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में पहुंचे और इतनी बड़ी भीड़ त्वांग में पहले कभी नहीं लगी थी। और यह वही जगह है जहां चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना झड़प हुई थी और यहाँ त्वांग सेक्टर में बहुत सारे नेता पहुंचे थे जो धर्म गुरु है बौद्ध धर्म के। इस सम्मेलन में कई प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तर बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से और इसके अलावा भी कई जगहों से पहुंचे हुए थे। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब धर्म बचे रहे और सब धर्म की जो संस्कृति है वह सुरक्षित रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बौद्ध नेताओं का स्वागत किया और ऐसे में इन बौद्ध नेताओं को देखकर चाइना काफी ज्यादा बौखला गया है, क्योंकि चाइना ने जो हरकत की है उससे इन बौद्ध धर्म को काफी आघात पहुंचा है। इसलिए जब भी बौद्ध धर्म के लोग यानी बौद्ध नेता इकट्ठे होते हैं उससे चीन बहुत ज्यादा डरता है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे चीन पर भारी पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को अफ्रीकी देशों की तरफ भी बढ़ा दिया और इसी सिलसिले में हाल ही में एस जयशंकर खुद अफ्रीकी देशों का दौरा करने के लिए गए, जिसने न सिर्फ अफ्रीका को बल्कि चीन को भी हैरान करके रख दिया है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। दोस्तों हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीका के दो काफी महत्वपूर्ण देशों का दौरा किया, जिसमें मोजाम्बिक और युगांडा शामिल है। बता दें कि ये दोनों ही देश भारत के साथ काफी मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं और इनमें भारत ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। ऐसे में अचानक से इन दोनों देशों में खुद भारतीय विदेश मंत्री का पहुंचना पूरे अफ्रीका के लिए हैरान करने वाला था,
साथ ही आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2022 के डाटा के अनुसार भारत अब तक अफ्रीका में $74 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कर चुका है और आने वाले समय में यह आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। तो वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि साल 2030 तक अफ्रीका में भारत की टोटल इन्वेस्टमेंट $150 बिलियन तक को पार कर सकती है, जो अपने आप में काफी विशाल का आंकड़ा है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि भारत अफ्रीका में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए पूरी तेजी से काम कर रहा है, ताकि हम अफ्रीकी महाद्वीप में चीन के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके, जो आज भारत के लिए काफी बड़ी समस्या बन चुका है। दरअसल चीन अफ्रीका में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर्ज और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत चीन अफ्रीका के गरीब देशों को डेवलपमेंट के झूठे सपने दिखाकर अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है, ताकि वह इन सभी देशों को नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लोइट कर सके। साथ ही हमने देखा है कि कैसे चीन ने अपना एक मिलिट्री बेस तक वहां बना लिया है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। वहीं पर अब तो चीनी नौसेना के युद्धपोत और जासूसी जहाज लगभग हमेशा ही हिंद महासागर और जिबूती मिलिट्री बेस पर तैनात रहते हैं, जिस पर भारत भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन अफ्रीका पर चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारत सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सहारा नहीं ले रहा, बल्कि अब अफ्रीकी देशों को अपने विदेशी सुरक्षा उत्पादों के लिए एक मार्केट के तौर पर भी देख रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई अफ्रीकी देश रूस से हथियार या कई रक्षा उपकरण खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते। साथ ही गरीबी की वजह से इन देशों के पास इतना बड़ा डिफेंस बजट मौजूद नहीं है ये अपनी सिक्योरिटी के महंगे हथियार खरीद सके, ताकि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन और यूरोपियन देशों के महंगे हथियार खरीद सके। और साथ ही चाइनीज हथियारों की क्वालिटी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, मतलब इनके पास इकलौता अच्छा विकल्प भारत ही बसता है। और भारत भी यह बात अच्छे से समझ चुका है कि यही वजह है कि हम अफ्रीकन देशों के साथ लगातार अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके तहत कुछ समय पहले ही 37 अफ्रीकन देशों के प्रतिनिधि भारत के दौरे पर आए थे, जो ये साबित करता है कि अफ्रीकी देश भारत के रक्षा उत्पादों में बहुत रुचि रखते हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमने अगर इस मौके का सही फायदा उठाया तो हम अफ्रीकी देशों के प्रमुख डिफेंस सप्लायर बन सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी का जलवा अमेरिकन और यूरोपियन देशों की मार्केट में भी खुले तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में अब भारत जिस तरह से अफ्रीकी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है, इसे देखते हुए चीन भी बौखला गया है, क्योंकि भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी के दम पर अफ्रीका में भी अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर।